निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज अपना फैसला सुनाएगी। ओबीसी आरक्षण मामले पर फैसला संभव है। 24 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जजमेंट रिजर्व रख लिया था। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुना सकती है। सभी राजनीतिक दलों को फैसले का इंतजार। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अपना फैसला सुना सकती है। इलाहाबाद की लखनऊ की स्पेशल बेंच में पिछली सुनवाई में बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और इसी वजह से माना जा रहा है कि आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। कोर्ट का फैसला आने तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाई थी, जिसके बाद से इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। और कोरोना से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान आज देखने को मिलेगा। आज देश भर के अस्पतालों में मॉकड्रिल होगा। कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉकड्रिल किया जाएगा, व्यवस्थाएं परखी जाएंगी और कोविड से निपटने की तैयारियां देखी जाएंगी। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए आज देश भर के सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मॉकड्रिल की जाएगी। व्यवस्थाओं को परखा जाएगा कि हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन अगर जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन की कोई कमी तो नहीं है, दवाइयों की कोई कमी तो नहीं है। साथ ही साथ अस्पतालों में अगर जरूरत पड़ती है तो बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं, तमाम चीजों को लेकर आज सभी अस्पतालों में मॉकड्रिल की जाएगी। यूपी के 75 जिलों में कोविड मॉकड्रिल है। आज अस्पताल मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं परखी जाएंगी। मॉकड्रिल से कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। अस्पतालों में अटनेस को चेक किया जाएगा और कोविड वार्ड में मिलने वाली सुविधाओं की जांच भी की जाएगी। अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच होगी। अस्पताल की सभी मूलभूत सुविधाओं को भी परखा जाएगा। तो देश समेत यूपी के भी आज सभी 75 जिलों के अस्पतालों में मॉकड्रिल किया जाएगा। लोगों को अलर्ट भी किया जाएगा। तो चीन और अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है और इसी वजह से आज देश भर के अस्पतालों में मॉकड्रिल की जाएगी और इसी कड़ी में यूपी और उत्तराखंड में भी सभी अस्पतालों में आज मॉकड्रिल होगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सुबह 10 बजे यह अभियान शुरू होगा। प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मौजूदा व्यवस्था को परखने के लिए मॉकड्रिल की जा रही है। बढ़ते आगे, सोमवार को कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हैलट अस्पताल में कोविड के 100 बेड्स का उद्घाटन किया और तैयारियों को परखा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं, खराब वेंटिलेटर को ठीक किया जा रहा है। कोविड को लेकर कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। आगरा में एक मरीज पॉजिटिव मिला है, उसको जीनोम टेस्टिंग के लिए हमने भेजा है। मैं प्रदेश के वासियों से अपील करता हूं, विदेश यात्रा से आए अपने परिजनों की जांच अवश्य कराएं, उनको आइसोलेशन में रखें, अपने पर्चा बनवा सकते हैं, मरीज को दिखाने के लिए डॉक्टर से समय ले सकते हैं, इसके अलावा वार्ड अलॉट कर सकते हैं अपने आप, और ऑपरेशन थिएटर कब खाली, ऑपरेशन की तिथि के अनुसार वार्ड भी आप आरक्षित, ऑपरेशन थिएटर भी आरक्षित कर सकते हैं और ऑनलाइन उसका जो शुल्क है वो भी जमा कर सकते हैं। अस्पताल परिसर में भीड़ रुकेगी, मरीजों को अनावश्यक लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था शीघ्र ही पूरे प्रदेश में हम स्वास्थ्य महकमे में भी लागू करने जा रहे हैं। कोविड की संभावित लहर को देखते हुए योगी सरकार ने यूपी को अलर्ट कर दिया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यूपी के सरकारी डॉक्टर की लगभग 40% की कमी अभी भी बनी हुई है। ऐसे में कोविड 19 के प्रबंधन और उसके इलाज को लेकर ये एक बड़ी ही चुनौती साबित होती दिख रही है। डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, वार्ड बॉय आते हैं, इनकी भी कमी बनी हुई है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश भर में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की हम केवल अगर बात करते हैं तो जहाँ पे नर्सेज हमारी खड़ी हैं, नर्सेज के लगभग 10,000 पद हैं। 10,000 पद में से लगभग 6,500 पद भरे होंगे, 3,500 पद खाली होंगे अभी भी। इसी तरह हम फार्मेसिस्ट की बात करें, 1200 से 1500 फार्मेसिस्ट के पद खाली होंगे। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें, वहां पे भी 500 से 700 पोस्ट खाली होगी इनकी। हर विधा में चाहे जहां आप जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पद ही नहीं सर्जित हुए जबकि इतनी जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट की।
हर जगह आईसीयू में और पोस्ट कोविड में मरीजों में सब में। आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें करीब 19,200 का हमारा जो कैडर है सैंक्शन्ड है, और उसमें लगभग 13,000 ऑन प्लेस हैं आज की तारीख में, तो लगभग 7-8,000 की कमी अभी भी बनी हुई है। और कई बार जो एडवर्टीजमेंट देने के बाद भी नए बच्चे आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इन बच्चों को, नए डॉक्टर्स को कैसे आकर्षित करें। मेरा तो अनुरोध राज्य सरकार से यही हमेशा रहा है कि कुछ ऐसी चीज करी जाए जिससे लोग सेवाओं में आए और जो पद खाली है उनको मतलब एकदम वॉर फुट पे जो है उनको भरा जाए।